12 बज चुके हैं, अब लग गया है 1 जनवरी 2021 और मैं मौजूद हूँ गाजीपुर बॉर्डर पे। यहाँ की तस्वीर क्या है, आज किस तरीके से यहाँ के लोग नए साल का स्वागत कर रहे हैं और नए साल पे क्या वो उम्मीद कर रहे हैं सरकार से कि सरकार उनकी मांगों को लेकर किस तरह का रुख अपनाएगी, उन सभी चीज़ों को आपको विस्तार रूप से दिखाऊंगा। पर पहले आप सब लोग को तसलीफ से यहाँ का जो माहौल है उसे दिखा दूँ। एक तरफ आप सब लोग इधर हाईवे को देखिए, NH24 ये हाईवे है और सनसनाती हुई गाड़ियाँ जा रही हैं, ठंडी का माहौल है, तापमान लगभग 4 से 5 डिग्री के आसपास आ चुका है। उसके बावजूद यहाँ का जो माहौल इस समय बना हुआ है 12 बजे उसे आप सब लोग भली भांति देख पा रहे होंगे। थोड़ा सा उधर दिखा दीजिए कितनी ज़्यादा भारी मात्रा में भीड़ इकट्ठा हुई है नए साल को जश्न को मनाने के लिए। एक तरफ तो ये एक तस्वीर भीड़ की है, इसके विपरीत दूसरी तरफ एक तस्वीर और है, लंगर लगा हुआ है और बहुत सारे भाई साहब लोग यहाँ पे भोजन पान कर रहे हैं, रात्रि का खाना खा रहे हैं। ये तस्वीरें गाजीपुर बॉर्डर की हैं और मैं गाजीपुर बॉर्डर पे मौजूद हूँ इस बात की गवाही में कि किस तरीके से नए साल का स्वागत हमारे देश के किसान कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और सारी चीज़ों को आप सब लोग को दिखाते हैं। मीडिया की भी कई सारी यहाँ पे देखिए, एक OTP वैन खड़ी हुई है और भी कई सारी गाड़ियाँ यहाँ पे हैं, चाक चौबंद व्यवस्था है, पुलिसकर्मी भी यहाँ पे काफ़ी भारी मात्रा में तैनात किए गए हैं। उनकी आप वहाँ देख पा रहे होंगे वो जो चौकी बनाई गई है पुलिस वालों की, वो चौकी है और काफ़ी भारी मात्रा में लगभग 15 से 20 पुलिसकर्मी यहाँ बैठ के अलाव ताप रहे हैं, क्योंकि ठंडी इतनी ज़्यादा है इस समय, सर्द इतनी ज़्यादा है कि उसको बर्दाश्त कर पाना सबके बस की बात नहीं है। इसके बावजूद भी यहाँ पे पुलिस लोग जो हैं बैठे हैं, अलाव ताप रहे हैं। एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा आप सब लोग के सामने, थोड़ा कैमरा उधर दिखाइए, मैक्स हॉस्पिटल भी यहीं पे सामने ही है और किस तरीके का यहाँ पे पूरा नज़ारा है इसको आप सब लोग देख लीजिए भलीभांत। NH24 पे मैं खड़ा हूँ और यहाँ पे लाइट लगी हुई हैं, NH24 के हाईवेज पे, नेशनल हाईवे पे जैसे लाइटें लगी होती हैं वैसे लाइट लगी हुई हैं और आंदोलन का पूरा माहौल बिल्कुल बना हुआ है। अभी भी रात्रि के 12 बजे के बाद भी लोगों से भी मैं बात करने की कोशिश करूँगा कि उनकी जो पिछले साल की नए साल की जर्नी थी वो कैसी थी और इस बार की नए साल की जर्नी इन लोग की कैसे बीत रही है और आने वाले साल में ये लोग किस तरीके से, किस नएपन के साथ आने वाले साल का स्वागत करेंगे, इन सभी चीज़ों को समझने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे देखिए पुलिस भाई भी हैं, अपनी ड्यूटी में तैनात हैं और इस सर्द में भी अलाव का सहारा लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। इनमें कोई गैर नहीं है, सब अपने हैं, कोई किसान का बेटा है, कोई मजदूर का बेटा है, कोई सभी भारतवासी हैं और सब अपने अपने कर्तव्यों को निष्ठापूर्ण तरीके से निभा रहे हैं। बशर्ते सरकार का जो अपनापन दिखाने का तरीका है वो कुछ अलग है और वो कुछ और बयां कर रहा है और इसी के बीच मैं यहाँ लोग से बात करूँगा और समझने की कोशिश करूँगा। महिलाएँ भी काफ़ी सारी मात्रा में यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। 12 बजे की बात की मैं बात कर रहा हूँ, लगभग 12:05 अब हो चले हैं और नया साल चालू हो गया है और इस नए साल के मौसम में ये चाचा जी चाय पी रहे हैं। चाचा जी कैसा लग रहा है, नया साल आ गया है? क्या लगता है सरकार बदलेगी? सरकार को बदलना पड़ेगा, पीछे हटेगी सरकार? बिल्कुल हटाएंगे। और ये गर्म चाय इसीलिए तो काम आएगी, जितनी आग इसमें नहीं है, ये जो जल रही है ये तपिश है, इससे ज्यादा आग किसान के सीने में है। ये तपिश है, इससे ज्यादा आग किसान के सीने में। हाँ, और उसी की आवाज पे ये लड़ाई लड़ी जाएगी। पहले तो मैं श्रद्धांजलि दूं जो मेरे 40-45 किसान शहीद हुए, इन्हें तो पूंजीपतियों को तो फिक्र नहीं, ये तो समझते हैं कीड़े मकोड़ों की तरह, कोई भी मर जाओ इन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। नया साल लग गया, नया साल मना नहीं रहे हैं आप लोग? नहीं, हम शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं नए साल में, जो हमारे किसान इस आंदोलन में शहीद हुए हैं हम उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं और मोमबत्ती जला के, फोन की लाइट जला के उनकी शहादत का इस्तकबाल कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बातचीत करने के लिए। जो यहाँ के किसान हैं इस नए साल के जश्न को ठुकरा रहे हैं और लगातार ये अपनी
मांग कर रहे हैं कि जो 40 किसान शहीद हुए हैं उनको ये श्रद्धांजलि देने का काम कर रहे हैं, जो 40 किसान शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि देने का काम कर रहे हैं। किस तरीके से यहाँ पे चीज़ें की जा रही हैं उन सभी चीज़ों को मैं आपको दिखाऊंगा। हमारे साथ एक बाबा जी हैं, इनको मैं इनसे परिचय आप सब लोग को मैं ज़रूर कराना चाहूँगा। मैं इनसे कई बार मिल चुका हूँ, वीडियो में आप सब लोग शायद देखे हों कि ना देखे हों, मैं उसकी जिम्मेवारी नहीं ले सकता, लेकिन ये अहिंसा परमो धर्म सत्याग्रह आंदोलन इनके बोर्ड में लिखा हुआ है। और मैं इनके बारे में बता दूं तो इनका नाम है सतनाम। जब से आंदोलन चालू हुआ है तब से ये मौन व्रत धारण करके बैठे हुए हैं। अभी मैं देख पा रहा हूं कि इनकी आंखों में पट्टी है, इसकी वजह अभी मैं नहीं समझ पा रहा हूं। आप देख पा रहे होंगे इनके पैरों में खड़ाऊ भी है। और जिस दिन ताली थाली का प्रोग्राम किसानों द्वारा किया गया था मोदी जी के मन के बात के खिलाफ, मैं यहीं गाजीपुर बॉर्डर पे मौजूद था और बाबा जी ने खड़ाऊ बजाकर अपना विरोध दर्ज करवाया था। तो ये एक अनोखी पहल थी। फिलहाल ये बात हम लोग से नहीं कर सकते और इनकी बात आप सब लोग नहीं सुन पाओगे क्योंकि ये मौन व्रत धारण करके बैठे हुए हैं, लेकिन इनके जो विचार हैं आप उन सभी चीज़ों को देख सकते हो। भली बात, ये पोस्टर है, इस पोस्टर में इनके विचार व्यक्त किए गए हैं, इन विचारों को आप सब लोग जरूर देख पाओगे। इस पोस्टर को आप भली भांत वीडियो पॉज करके पढ़िए, ये विचार हैं अंकल जी के और किसान आंदोलन में एक प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। और भी साथी हैं, इनसे मैं बात करता हूँ। आप बताइए सर, नए साल का माहौल है, कैसा महसूस कर रहे हैं? सर हम कुछ नहीं महसूस कर रहे हैं, हम सिर्फ इतना कर रहे हैं ये मोदी सरकार हमारी बातें मान ले। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं, आप भी किसान पुत्र हो, ठीक है, किसान पुत्र समझो चाहे जो मर्जी समझो, ठीक है, मान हम किसान हैं, ठीक है, हम किसान हैं, चलो मान हम किसान हैं। हम 2 क्विंटल रखते थे अपने घर पे गेहूँ, हम 4 रख लेंगे। कोई प्राइवेट सेक्टर में नौकरी कर रहा है, ठीक है, वो तो मतलब समझो आपकी जैसे उसकी 6,000, 10,000, 8,000 तनख्वाह है, ठीक है, हम तो किसान हैं, हम रख लेंगे 2 की जगह 4 जगह, ठीक है, अपने 2 की जगह 4 रख लेंगे अपने घर पे। लेकिन प्राइवेट सेक्टर वाले उसकी 8,000 रुपये तनख्वाह है घर पे, जो आटा आज मिल रहा है 20-21 रुपये को, वो कल को 100 रुपये को मिलेगा। वो प्राइवेट सेक्टर वाले बताए कि कल को 100 रुपये को खरीद लेगा। हम नहीं कहते कि हमारा किस अपना बंदे हैं, मतलब कि कोई भी है, जो भी है, जैसे भी है, मतलब कि हम तो किसान हैं, रख लेंगे। आपकी 8-10 हज़ार रुपये तनख्वाह है, आप रखोगे नहीं रखोगे? आपकी 8,000 तनख्वाह है। आम लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं आप, तो भाई साहब यहाँ पे खड़े थे, इनका ये कहना है कि आम लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो ये तीनों कृषि कानून बनाए गए हैं इससे केवल किसानों को हानि नहीं होगी, इससे हानि सबको होगी, आम लोग को भी होगी और इसका भुगतान आम लोग को भी करना पड़ेगा। और लोगों से बात करते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं। ये अंकल जी हैं, कैसा लग रहा है आपको, नया साल आ गया? नया साल हम क्या सेलिब्रेट करें, हमारे साथी 40 शहीद हो चुके हैं, उनकी श्रद्धांजलि के लिए हम लोग नया साल सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप देख रहे हो कैंडल जल रही हैं, हम लोग यही चाहते हैं भगवान उनकी आत्मा को शांति मिले और मोदी जी को सद्बुद्धि आए कि 4 तारीख को जो मेन है, अभी तक उन्होंने 2 मुद्दे के मैं बात की उसका कोई औचित्य नहीं है। हम चाहते हैं कि MSP हिंदी में कहते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू हो जाए, और ये जो कृषि कानून में है वापिस हो जाए, तभी हम अपने घर में वापिस जाएंगे। ये हास्यास्पद स्थिति है। आप पूछ रहे हैं ना कि नया साल किसान क्या नया साल मनाएगा, मनाते हमारे 40 भाई शहीद हो चुके हैं, क्या नया साल है? हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं, बस यही नया साल। हम तो चाहते हैं मोदी जी को सद्बुद्धि आए। हम लोगों ने वोट, मैं कानपुर से हूँ, रवि प्रताप सिंह, जिला अध्यक्ष कानपुर, तो मैं कानपुर बोली से लग रहा है आप कानपुर। हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा आज हिंदुस्तान के किसान मोदी जी जा गया है। मैं उस दिन पहले दिन से टिकैत साहब के साथ यहाँ पे आ गया था, इन्होंने खालिस्तान ही कह दिया। इस देश में सबसे ज्यादा गेहूँ पूरे देश में उपज करता हरियाणा पंजाब, भंडार भरने का काम करता गेहूँ का हरियाणा पंजाब, वहाँ का किसान आर्थिक समृद्धि में। और ये क्या कह रहे थे, आपने देखा होगा कि खालिस्तान ही आ गए, ठीक है, खा और फिर कहने लगे विदेशी फंडिंग है। तो हम तो ये देश के लोगों ने देख लिया होगा कि परसों जो वहाँ बढ़ता थी तो विदेशी फंडिंग का खाना 3 दिन मंत्रियों ने खाया कि नहीं, इस देश खाया कि नहीं, आपने देखा होगा।
इस देश के लोगों को मैं दिखाना चाहता हूँ कि दोहरा चरित्र भाजपा का। गोयल जी और तोमर जी भी साथ में खाना खाए थे। और कृषि राज्य मंत्री ने भी खाया जो पंजाब का है, नाम याद नहीं है, राज्य मंत्री जो पंजाब का है। अगर विदेशी फंडी का खाना तो इन्होंने क्यों खाया? ये देश के लोगों जब मतलब कहते हैं हमारी भाषा में कानून कहते हैं हाथी का दांत दिखाने का और खाने का, और तो ये पूरे देश ने देख लिया। तरह तरह से बदनाम कर रहे हैं किसानों की। ये बताइए इस सर्दी में हम लोग पानी लगाते, और एक बात मैं कहना चाहूंगा, सीने का भी टाइम आ गया है। नहीं, एक बात और कहना चाहूंगा, इस कोरोना काल में जब इस देश के नेता उद्योगपति अपने घरों में कैद थे, मैंने इस हमारे किसानों ने इस देश में फसल पैदा की, काटी, इस देश के में भंडारण करने काम किया, इस देश की जीडीपी बढ़ाने काम किया, तब किसान अच्छे थे। आज किसान कर रहे हैं मोदी जी सद्बुद्धि करो, हम ही लोगों ने वोट दिया, क्योंकि 70 साल लगता है आपको नया साल आ गया, अब सद्बुद्धि आएगी? हमें तो नहीं लग रहा, 70 साल हमें कांग्रेस ने लूटा, 70 साल कांग्रेस ने लूटा। हम ये देख रहे थे कि वो कांग्रेस ने लूटा, अब मोदी जी कुछ कर देंगे, लच्छेदार भाषण इन्होंने कहा था कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू कर देंगे, नहीं लागू की, कुछ करते हुए दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। अंकल जी काफ़ी आक्रोश में हैं, और आक्रोश जो है वो जायज है। मैं लगातार आगे बढ़ रहा हूँ और आगे बढ़ते हुए आप सब लोग को चीज़ें दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे मीडिया के बहुत सारे साथी लोग हैं और हर कोई एक दूसरों से बातचीत कर रहे हैं, लोगों की किसानों की राय ले रहे हैं, और नए साल का जो माहौल है आप सब लोग के सामने दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एक और तस्वीर आप सब लोग को मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे नए साल के अवसर पे जो किसान लोग हैं वो नया साल मनाने से इनकार कर दिए, और यहाँ के किसान जो 40 किसान शहीद हो चुके हैं इस आंदोलन के दौरान, उनको श्रद्धांजलि देने का काम किया है। तो श्रद्धांजलि किस तरीके से दी गई है ये भी आप सब लोग को मैं आज दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे 40 जो किसान शहीद हुए हैं उनकी तस्वीरें हैं, सबकी तस्वीरें बाकायदा लगी हुई है, फूल माले के साथ तस्वीर लगी हुई है, और गाजीपुर संयुक्त किसान मोर्चा नया साल शहीदों के नाम, ये इनका नारा लिखा हुआ है। किसान आंदोलन में शहीद होने वाले किसानों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि, ये सभी चीज़ें बोर्ड में लिखी हुई हैं। इसके नीचे देखिए आप सब लोग मोमबत्तियाँ कई सारी जलाई हुई हैं, कई सारे लोग यहाँ पे आके श्रद्धांजलि दे रहे थे। अभी यहाँ पे भीड़ थोड़ा कम हो गई है, भीड़ हट के आगे चली गई है, और मीडिया के लोगों को बाइट दी जा रही है। तो ये सारा माहौल है यहाँ गाजीपुर बॉर्डर का। अभी रात के 12 बजे 1 जनवरी हो गया है, और 1 जनवरी के साथ साथ नया साल भी लग गया है। इस नए साल के दौरान गाजीपुर बॉर्डर में ये सारा माहौल है। इसके अलावा और भी जहाँ पे आंदोलन हो रहे हैं किसान के, जैसे सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, वहाँ की भी रिपोर्ट आप सब लोग के सामने। आपकी राय क्या है इस पूरी वीडियो को देखने के बाद, उसको कमेंट बॉक्स में बताएं, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं इसी तरह किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।